नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करने वाले हैं शीतकालीन सत्र पर फिर छिड़ी जंग। विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में होगा या गैरसैंण में, इसका पर 31 अक्टूबर यानी सोमवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया जाएगा, जिस पर आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर अपना निर्णय सुनाएंगी। विपक्ष को लगता है कि इस बार भी सरकार शीतकालीन सत्र देहरादून में ही आयोजित करने के मूड में है, जो कि वे अपने वादे से मुकरती दिखाई दे रही है। चर्चा आज इसी पर, शीतकालीन सत्र पर फिर छिड़ी जंग। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। सभी विपक्षी दलों का मानना है कि पिछली बार सरकार ने चारधाम यात्रा का हवाला देकर सत्र देहरादून में ही सत्र करने की घोषणा की थी, लेकिन अब सरकार को गैरसैंण की जनता को भी विश्वास में लेना चाहिए और शीतकालीन सत्र की घोषणा गैरसैंण की ही करनी चाहिए, भले कोई भी स्थिति क्यों ना हो। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। देखिए, विधानसभा का सचिवालय जो है वो से पूरी तरह हमारे सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम सुदृढ़ हैं, सही हैं, प्लेस में हैं, सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो इसलिए गैरसैंण हो चाहे देहरादून हो, हमारा तैयारी पूरी है और एक सर्वदलीय बैठक जरूर मैंने बुलाई है, जहां पर हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे और तारीखों का एक बातचीत भी होगी कि कब हम इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि 9 तारीख के बाद जो हमारा स्थापना दिवस है, उसके बाद ही हम सत्र को रखने का मन बना रहे हैं। शीतकालीन सत्र गैरसैंण में करने के लिए बुलाई गई बैठक से पहले महाभारत छिड़ गया। तर्क दिया जा रहा है कि गर्मी में गैरसैंण में सत्र क्यों नहीं कराया, अब सर्दी में कराने का क्या फायदा। सर्दी में सत्र अगर गैरसैंण में होता है तो माननीय चिटुर जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के माननीय इतने असहाय हैं कि अपने लिए ठंड से बचने का जुगाड़ भी कर लें। एक तरफ गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए सड़क से सदन तक खूब शोर मचाते हैं, वहीं गैरसैंण सत्र को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का मानना है कि गैरसैंण सत्र पहाड़ की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह गैरसैंण में ही होना चाहिए। अब तक गैरसैंण के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन जहां तक कांग्रेस गैरसैंण के लिए कुछ करके गई, उसके बाद से लेकर अब तक वहां की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। वहां पर काम करने वाले हर छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों के लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं है। साथ ही वहां पर सत्र इसलिए भी होना चाहिए ताकि पहाड़ की भौगोलिक स्थितियों को अधिकारी नेता समझें और पहाड़ का विकास हो। हम चाहते हैं गैरसैंण में सत्र हो। मैं तो इस बात का व्यक्तिगत, अगर करण मेहरा एज ए अध्यक्ष ना पूछे, करण मेहरा के हैसियत से पूछे, क्योंकि मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, जेलों में रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि गैरसैंण, क्योंकि पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा थी वो इसीलिए थी कि पहाड़ के लोगों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को कोई नहीं समझता। तो हम चाहते हैं कि स्थायी राजधानी के रूप में वो स्थापित हो और उसके लिए कांग्रेस ने स्टेप भी उठाए, वहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लेकिन इस समय सत्र बुलाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, 6 साल सरकार हो गई, जहाँ कांग्रेस छोड़ के गई थी वहीं आज गैरसैंण है। जो वहाँ हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए बर्फीले तूफान को झेलने के लिए कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं है। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के आवास सभी तक नहीं है जो वहां नहीं है, तो उनके लिए। वहीं भाजपा का मानना है कि विपक्ष के पास तभी ऐसे बहने की गैरसैंण में कर्मचारियों के ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है। कहीं कर्मचारियों का हवाला देकर कड़ाके की सर्दी से खुद को बचा, अभी तो इस पर बैठक होना बाकी है, तभी तो सत्ता पक्ष विपक्ष की बेचैनी को भांप कर जवाब भी दे रहा है। रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और अभी क्योंकि शीतकालीन जो हमारा सत्र होने जा रहा है उसको लेकर माननीय
मुख्यमंत्री बैठक बुलाई है, लेकिन उसका विरोध अभी से इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि वहां पर उनके विधायक इस कड़कती हुई ठंड में कैसे जाएंगे और जो कर्मचारी हैं वो वहां पर कैसे काम करेंगे। तो इनका इस बात से द्व्यर्थी एक इनकी मानसिकता उजागर होती है। एक तरफ ये कहते हैं कि गैरसैंण को एक अस्थायी राजधानी घोषित किया जाए और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि शीतकालीन सत्र वहां पर इस समय कैसे संभव हो सकता है जब कड़कती भी ठंड है, कैसे हो सकता है और कैसे उनके विधायक वहां पर जाएंगे और कैसे उनके कैसे कर्मचारी वहां पर काम कर पाएंगे। तो इससे इनका 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 कोई विकास से, उत्तराखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं है, खाली बयानबाजी करनी है, तो इनकी बयानों का कोई अर्थ नहीं निकलता। हालांकि शीतकालीन सत्र के लिए बैठक में लिए जाने वाले फैसले का इंतजार सबको बाकी है, लेकिन लंबे समय से स्थायी राजधानी की दर करार करने वाला यह प्रदेश शीतकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी पहाड़ पर विधानसभा सत्र के लिए वंचित रह जाता है। कारण, पहले माननीय राजधानियों की मांग स्थायी करते हैं, फिर कहीं न कहीं मौसम के अनुकूल कड़ाके की ठंड से गैरसैंण जाने से भी कतराते हैं और यही वजह है कि हर बार शीतकालीन सत्र में इस तरह की टांग अड़ाई देखने को मिलती है, जिसके चलते फिर शीतकालीन सत्र गैरसैंण में नहीं हो पाता है और पहाड़ की जनता के हाथ फिर भी खाली रह जाते हैं। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो शीतकालीन सत्र देहरादून में होगा या गैरसैंण में होगा, इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है और इसको लेकर बैठक भी की जाएगी, लेकिन अभी इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि शीतकालीन सत्र आखिर विपक्ष इतना नाराज क्यों है, विपक्ष ने इतनी आवाज उठाई है। हमारे साथ पैनल में मधु भट्ट, प्रवक्ता भाजपा, राजेंद्र चौधरी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, विपिन खन्ना, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, और पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूकेडी, अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देवभूमि के दंगल प्रोग्राम में। पीसी थपलियाल साहब, आपसे शुरुआत करेंगे, आखिर बात गैरसैंण की हो या फिर देहरादून की हो, शीतकालीन सत्र की शुरुआत तो होने जा रही है, फिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? देखो, जो राजधानी है, राजधानी किसी भी राज्य का सत्ता का केंद्र होती है और बहुत महत्व रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में ही जब राज्य का घोषणा की तो बिना राजधानी का हमें राज्य दे दिया और आज 22 साल बाद भी ये लोग को बेशर्मी से इसी राजधानी के ऊपर राजनीति करते जा रहे हैं। जहां कांग्रेस ने गैरसैंण की बजाय इसको भराड़ी सैंण में बना दिया, जो कि और ज्यादा हाइट पे है और ऊंचाइयों में है, और जहां शीतकालीन में असंभव सा है इस समय कि किसी भी तरह वहां पे कामकाज किया जाए, और तब उसके बाद भी दोनों दल राजनीति करते हुए दिख रहे हैं, तो मेरे को इतना दुख हो रहा है कि इनको चुल्लू भर पानी में खत्म हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को यह नहीं मालूम कि हम 22 साल से इस राज्य की राजधानी घोषित नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी बात है। और जब अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष की साहब, हमारे हरी हमने राजधानी बना दी, अरे तुमने राजधानी जब गैरसैंण में बनाई तो तुमने घोषणा क्यों नहीं? बहुत समय था हरीश रावत जी के पास, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने ही इसको ग्रीष्मकालीन घोषित किया है, तो ग्रीष्मकालीन के अलावा भारतीय जनता पार्टी अब सीख में भी वहां करेंगे नहीं करेंगे, और क्या जरूरत है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रितु खंडूड़ी को और सर्वदलीय बैठक बुलाने की। ठीक है, पीसी थपलियाल साहब, आपके हिसाब से राजधानी क्या होनी चाहिए? आप अपना अपनी बात रखिए, अपनी ही बात बताइए, आपके को क्या सही? देखिए, जब इस राज्य की जो संघर्ष किया गया, जो कल्पना की गई है, वो गैरसैंण इस राजधानी, स्पष्ट रूप से इवन तत्कालीन मुख्यमंत्री जब कल्याण सिंह जी, उन्होंने हमारे स्वर्गीय जो भोनिया साहब थे उनको भेजा था 15 अगस्त को 6
झंडा फहराने के लिए 1992 में, यानी वो लोग भी ऐसे सहमत थे कि इस राज्य की कौशिक समिति ने अपनी सर्वे करने के गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का ऐलान कर दिया था कौशिक समिति के माध्यम से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब राज्य बना तो गैर राजधानी को गायब कर दिया, और राजधानी को गायब करना माने असंवैधानिक राज्य इस राज्य के लोगों को थमा दिया। ये कितना बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसमें लगभग 29 संशोधन करके हमारी पंचसमितियों को भी उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया। तो ये लोग हमारे हितैषी है ही नहीं, इनसे कोई आशा करना ही बेकार है, क्योंकि ये लोग केवली चाहे केदारनाथ हो, बाबा केदारनाथ में भी राजनीति कर रहे हैं और हमारी राजधानी गैरसैंण में ये राजनीति कर रहे हैं, जबकि संविधान कहता है कि बिना राजधानी के तुम राज्य संचालित ही नहीं कर सकते। आज 22 साल तक इनको ये भी मालूम नहीं स्थायी राजधानी कहां, खाली भी वो अभी इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की, उसका नोटिफिकेशन किया, लेकिन इस राज्य की स्थायी राजधानी का नोटिफिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं। ऐसा अभागा राज्य है। बिल्कुल पीसी तबलियाल साहब, आपके पास आएंगे। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस। राजेंद्र चौधरी जी, ये शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष का इतना हंगामा क्यों? नहीं, विपक्ष ने कौन सी बात गलत कही मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक इस विषय में, कि विपक्ष की जो मांग है शीतकालीन सत्र गैरसैंण में कराया जाए, इसमें कमी क्या है? भाजपा की सरकार ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण होगी। जब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है तो ग्रीष्मकालीन सत्र वहां क्यों नहीं कराया? मैं तो इस मुद्दे पे एक बात कहूंगा, गैरसैंण को ही स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, क्योंकि राजधानी का जो लोड देहरादून पे है वो लोड देहरादून बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और देहरादून के जो नागरिक हैं वो भी इस अव्यवस्था से दुखी हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून बनी, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ, भवनों की समुचित व्यवस्था नहीं है। जब प्रदेश की जनता के पैसे से वहां भवन बन गया है, वहां सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने में दिक्कत कहाँ है? बिल्कुल। अच्छा राजेंद्र जी, ये भी सवाल है कि पिछली सरकार में तो आप लोग भी थे ना, आप लोग भी उसको कर सकते थे। नहीं, हमारी सरकार ने गैरसैंण में राजधानी बनाने के लिए जगह भी दी, बजट भी दिया, बिल्डिंग भी बनाई, और दुर्भाग्य से जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई हम सत्ता से बाहर हो गए। आज भाजपा छठे साल में है और इसके पास 10 साल का टेन्योर है, 5 साल कंप्लीट कर चुकी, छठे साल में है और 4 साल और बका है। तो भाजपा इस पर स्पष्ट करे, भाजपा तो ग्रीष्मकालीन सत्र तक नहीं बुला रही, जिसके लिए वहां के भाजपा के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्वयं घोषणा की, गजट नोटिफिकेशन है। आप समस्या इसमें विनय क्या है कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ये गवर्नमेंट धर्म के आधार पर बन रही, हिंदू मुसलमान के आधार पर बन रही, ना इन्हें किसी की भावनाओं से मतलब है, ना इन्होंने किसी के विकास से मतलब है। और ऐसी जनता होगी, इसमें मैं भी हूं, जनता में मैं भी हूं, बीइंग वोटर मैं भी इसका एक हिस्सा हूं, हम लोग गुण दोष के आधार पर वोटिंग ही नहीं कर रहे। हमारी बहन बैठी मधु, क्या जवाब देंगे बिचारी? विपिन खन्ना जी, मैं कह रहा हूँ आएंगे राजेंद्र जी आपके पास, राजेंद्र जी आपके पास आएंगे जी, बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए बोलिए। मैं एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ, हमारा छोटा राज्य जिसमें 45,000 करोड़ से बढ़कर 90,000 करोड़ हमारा कर्ज हो गया, हमारे पास संसाधन कम है, हम दो जगह की राजधानी को नहीं बर्दाश्त कर सकते, और ये बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर स्थायी राजधानी गैरसैंण बनती है तो हमारे स्टेट के जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो 50% हो जाएंगे,
बिल्कुल आपके पास, मैं आपके माध्यम से जी बिल्कुल राजेंद्र जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी से। विपिन खन्ना जी, क्या आपके हिसाब से राजधानी भी बनाने की बात आई, राजेंद्र जी ने बोला कि गैरसैंण को राजधानी अस्थाई बना देना चाहिए जिससे फायदा भी पहुंचेगा, और अब शीतकालीन सत्र को लेकर एक हंगामा हो रहा है कि ये देहरादून में होगा या गैरसैंण में होगा, तो आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए विनय जी, मैं तो इस बहस को बेफिजूल की बहस मानता हूँ, क्योंकि ये पहले से ही एक मुद्दा था गैर राजधानी का, ये देहरादून में होगी या गैरसैंण में होगी। इसमें मैं मानता हूँ चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ही सरकारों ने प्रदेश की जनता को भ्रमित किया और धोखा दिया। मैं देखिए राजेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, राजेंद्र जी अभी आपने एक बात कही है कि एक गरीब प्रदेश है, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया अपना, एक गरीब प्रदेश है और खरबों रुपए के कर्ज में ये डूबा हुआ है, ये कर्ज लेने के कर्ज जो ले रखा है उसका ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेता है। लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप तो वरिष्ठ नेता है, आपकी सरकार दो बार उत्तराखंड में रही है, तो आप लोगों ने उसको स्थायी राजधानी घोषित क्यों नहीं किया? क्या कारण था, हरीश रावत जी थे या विजय भोगड़ा जी थे जब आपने वहां पर विधानसभा का पत्थर रख दिया था, तो आपको कौन रोक रहा था उसको स्थायी राजधानी घोषित करने में? आज देहरादून और गैरसैंण फुटबॉल की तरह ये सरकारें इधर से उधर घूम रही हैं कि सत्र वहां कराया जाए कि सत्र यहाँ कराया जाए, यहाँ पर गर्मी लगती है तो वहां पे सर्दी लगती है, तो आप लोग क्यों प्रदेश की जनता गुमराह कर रहे हैं? और अब विधानसभा अध्यक्ष आप ये बताइए कि कितने मुद्दों पे प्रदेश की सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, सर्वदलीय लागू करना चाहिए। अब सवाल जस का तस बना हुआ है कि राजधानी के नाम पर कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने गुमराह किया है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी हुई है, बने हमने गैरसैंण को बना दिया है, तो आप देहरादून में जगह क्यों ढूंढते फिर रहे हैं, कहां क्यों झूठ बोल रहे हैं आप इतना? और दूसरा, आपने विधान भवन अगर गैरसैंण में बना दिया है तो कौन सा मुख्यालय, कितने मुख्यालय आप लोगों ने गैरसैंण में बनाए हैं, उनकी बुनियाद भी रखी है कि नहीं रखी है? कितने अधिकारी आपके गैरसैंण में बैठ रहे हैं, कितने कर्मचारी आपके वहां पर काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो उनको सरकार फिजूल का पैसा दे रही है। अभी आपने बहाना बनाया कि यात्रा चल रही है इसलिए हम जो है नहीं करवा सकते, सदन नहीं बिठा सकते अगर यहाँ पर यात्रा चल रही है। आप ये बताइए, हर साल यात्रा चलेगी क्या, आप जो है सदन नहीं चलाएंगे गैरसैंण में? अब आज आपने एक नया बहस छेड़ दी है कि विपक्ष कह रहा है कि वहां पर ठंड लगती है। आप मुझे बताइए, आप तो सरकार है, आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, 40 से 45 आपके पास विधायक हैं, तो आप एक आदेश पारित कर दीजिए कि गैरसैंण में सदन होगा तो गैरसैंण बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मजबूर है जाने, मजबूर होना पड़ेगा जाने के लिए। बिल्कुल जी, आपके पास आज आपने तमाम विपक्ष के लोगों की बात सुनी और जहां जी, अभी मैं सभी अपने जी जी मैंने अभी तमाम अपने भाई जो पैनल में बैठे हुए हैं उनकी बातें सुनी और साथ में और सभी को जैसे अवगत है कि ये जो कांग्रेस की जो ये नीति है, केवल कल का ही जो इनका बयान था कि वहां नहीं होना चाहिए, केवल विरोध करना था कि वहां पर जो है गैरसैंण में जो है इस समय शीतकालीन सत्र नहीं होना चाहिए, आज ही अपने बयान से खुद ही पलट गए हैं और आज कह रहे हैं कि नहीं, आज के गैरसैंण में सत्र होना चाहिए। तो इनकी बातें जो है ये दोगली बातें हैं, ये जो जनता ये सब समझती है और सभी लोग इसको अच्छी तरह भलीभांति समझते हैं कि इनको जो गैरसैंण है, गैरसैंण से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं है इनको। क्योंकि अगर राजधानी के प्रति अगर ये बहुत संवेदनशील होते, अगर गैरसैंण के प्रति, जैसे हमारे विपिन भाई ने कहा है, जब आपके पास पूरा समर्थन था आपने उसको घोषित क्यों नहीं किया अस्थाई राजधानी? लेकिन ये भी अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि अपने शासनकाल में इनके कोई भी कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। जैसे कि मालूम है कि राजधानी के लिए जो मानक होने चाहिए वो मानक पूरे नहीं हुए, लेकिन हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया, कहा, हमने कहा कि हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे और हमने कहा ठीक, हमने उसको बनाया भी है
और साथ में आपने देखा होगा तब से वहां पे गैर सैड में जो हमारा बजट है, जो हमने वहां के प्रावधान होने चाहिए एक राजधानी के लिए, हम उनको बना रहे हैं। आपकी हमारी जो चौमुखी जो एक जो मेन एक आवश्यकता होती है, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है एक राजधानी के लिए, हम उनको उन मानकों को पूरा कर। मधु जी, राजेंद्र जी ने एक बात और कही थी, मधु जी राजेंद्र जी ने एक बात और कही थी, उन्होंने ये कहा था कि उनके सरकार में पूरी तैयारियां कर ली गई थी, वहां पर बिल्डिंगें भी बना दी गई थी और अगर उनकी सरकार होती तो इसकी घोषणा भी हो जाती। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा तो इसका लाभ भी काफी मिलेगा, इस पर फायदा होगा, इस पर क्या कहना है आप? देखिए यहाँ पे बैठे राजेंद्र जी बैठे हैं, राजेंद्र जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत ही परिपक्व नेता है अपने पुराने, लेकिन उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि माननीय हरीश रावत जी को जब हमारी हमारे हमने भी कहा हमारी हमारे जो नेता थे हमने भी कहा कि आप उसको घोषित कर दीजिए, सबको मान्य होगा, आप करिए तो सही, आप कुछ तो कदम उठाइए, लेकिन उस समय कुछ नहीं किया, खाली इसको राजनीति का एक सगुफा छोड़ दिया और उसको छोड़ दिया। लेकिन हमने कहा कि हम इसको, क्योंकि राज्य राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी में 24 दलों के होते हुए भी हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको एक बड़ी सोच थी कि राज्य बनना चाहिए उत्तराखंड के प्रति एक संवेदनशीलता को परिचय देते हुए, क्योंकि आंदोलन में हम सभी रहे, यहाँ पर से काफी लोग उस आंदोलन में रहे हैं, तो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विभिन्न जो विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी राजधानी जो हमारा जो राज्य था उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, उसके बाद हमने इसे इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया, लेकिन उसके बाद वो हमारा वो जो पैकेज जो एक विशेष राज्य का जो पैकेज था वो भी रोक दिया गया। उसके बाद आप देखिए, क्योंकि अब मैं इस समय की बात करती हूँ, वर्तमान परिस्थितियों की बात करती हूँ, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों जो हमने कहा था हमने कर दिया, हमारी सरकार आई और हमने उसको हमने बिल्कुल ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने जो कहा था जनता से जो वादा किया था वो भी किया है, और आने वाले भविष्य में बिल्कुल भविष्य में हम देखिए गैरसैंण को लेकर बहुत सारे जो जितने मानक है वो सब पूरे किए जा रहे हैं और हम कर रहे हैं उसमें हम, क्योंकि देखिए जवाबदेही किसकी होती, जवाबदेही सरकार की, और सरकार उसमें पूरे, क्योंकि हर 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 जो एक मानक होते हैं उसके मापदंड में खरा उतरना हमारे लिए जरूरी है, हम जनता के लिए प्रति हम जवाबदेह हैं, हम किसी नेता किसी जो ये केवल खाली बयानबाजी जो करते हैं उनके प्रति हम जवाबदेह नहीं है, हम जवाबदेह हैं जनता के प्रति, और जनता के प्रति हम बहुत ही संवेदनशील। नहीं मधु जी, विपक्ष भी सवाल कर सकता है, विपक्ष को भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं विपक्ष भी, विपक्ष अगर है तो सवाल तो करेगा ना, विपक्ष तो सवाल करेगा ही ना, बिना विपक्ष को भी जवाब देना पड़ेगा आपको। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस बार आए, आप देखिए ना, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस बार आए, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही। आप अगर केदारनाथ देखेंगे तो केदारनाथ धाम का कितना, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं, स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं, अभी रोपवे का भी उद्घाटन किया, तो हम तो बिल्कुल जनता के प्रति हम जवाबदेह, हम किसी केवल बयानबाजी वाले नेताओं के प्रति जवाबदेह नहीं है, और हम काम करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से काम करेंगे। और गैरसैंण के प्रति सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है उसका मात्र उद्देश्य यही था कि सब लोग मिलकर इस उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, क्योंकि बयानबाजी आने लग गई थी पहले से ही, हम नहीं जाएंगे। सर्वदलीय बैठक क्यों बुला रहे हो जब जवाबदेह नहीं हो, बैठक जो है बैठक में निर्णय लिया जाएगा। देखिए अभी हमारे राज्य बहुत बड़ा गौरवशाली दिन हमारे सामने आने वाला है, हमारे राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को आने वाला है, हम उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और एक स्वच्छ जो हमारा जो एक हमारी जो राजनीति है, एक लोकतंत्र की जो परंपरा है, हम उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, इसमें केवल वाद और विवाद हो पक्ष विपक्ष का, ये इससे कोई जनता के बीच में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाने वाला। अच्छा मैसेज तो ये जाएगा, हम सब लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हमको जनता ने चुना है और हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हम उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो धरातल पर कितना काम कर रही है और हम उसको उसके प्रति जवाबदेह हैं, ना कि केवल अनर्गल आज होना चाहिए सत्र, कल नहीं होना चाहिए, आज ठंडी लग गई, आज गर्मी लग गई, आज वहां पे कुछ सुविधाएं नहीं है,
कल बहुत सारी सुविधाएं, ये बातें, ये अनर्गल बातें, ये व्यर्थ की बातें, मेरा ये मानना है व्यर्थ की बातें। हमें एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ, ठीक है, मधु भट्ट जी आएंगे हमारे साथ, मधु भट्ट जी आपके पास आएंगे, राजेंद्र जी आपके पास भी आएंगे हमारे साथ, अरुण शर्मा जी हैं उनसे भी बात करेंगे। अरुण शर्मा जी आपसे बस, आपने सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, किसी ने क्या कहा पक्ष विपक्ष ने, तो आपसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे यहां पर, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अरुण शर्मा जी से बात करेंगे। यहां पर देवभूमि के दंगल में लेते हैं एक ब्रेक। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ भारत की धड़कन, विशिष्ट आदिवासी नृत्य रूपों के भव्य महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित करता है। स्वागत है आपका तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित यह महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो आइए अद्भुत, अविश्वसनीय और अनछुआ तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 1 से 3 नवंबर रायपुर। तो आइए हम सब मिलकर इस बार के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भी यादगार बनाए। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबा केसरी। प्रतिशत शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको, रिझाइए बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर जंग छिड़ी है, और वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी दलों के साथ बैठक करने का भी निर्णय लिया है, और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं, मधु भट्ट जी, प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, वरिष्ठ नेता और विपिन खन्ना, पीसी थपलियाल साहब, अरुण शर्मा जी, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आते हैं अरुण शर्मा जी के पास। अरुण शर्मा जी, चूंकि तमाम लोगों ने अपनी बातें कही, पक्ष विपक्ष ने, तो ऐसे में सबकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, आपका क्या कहना है इन सभी को लेकर? क्या अस्पष्टता आपको नजर आई कि नहीं, इन्होंने तो ठीक कहा है लेकिन कुछ लोगों ने बातें भी घुमाई? विनय जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है, अगर मैं बहुत चीजें आपको बताऊंगा, अगर आप इस सत्र की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह सत्र गैरसैंण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और हमें एक क्या दो सत्र याद है, एक सत्र में ऊपर की गैलरी के पास शीशे नहीं लगे थे और इतनी तेज हवा आ रही थी कि कई लोग बीमार हुए थे, पिछले साल बर्फ गिर गई थी और उसमें भी कई लोग, कई विधायक और मंत्री बीमार हुए थे। तो ये व्यवहारिक नहीं है इस मौके पे सत्र कराना, एक बात। दूसरी चीज, गर्मियों में सत्र हुआ, मई में हुआ था, देहरादून के अंदर हुआ था, इससे ये संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर सत्र होना चाहिए और वो 6 महीने इसी नवंबर में पूरे हो रहे हैं, और चूंकि नवंबर में 9 तारीख को राज्य का स्थापना दिवस है तो आप ये मान के चलिए कि सत्र उसके बाद होगा। लेकिन जैसे चौधरी जी बोल रहे थे, उनकी बात का मैं जवाब दे दूं कि हरीश रावत के सरकार के अंतिम सत्र जो गैरसैंण में हुआ था उसमें पत्रकार वार्ता चल रही थी हरीश रावत की,
और उस पत्रकार वार्ता में हरीश रावत हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। उसी टाइम वहां हरीश रावत के एक सलाहकार आए थे जो वहां ये कहने आए थे कि जिस विधायक को चलना हो चल दीजिए, हेलीकॉप्टर में कुछ जगह है। जब हमने उससे कहा कि आप इनसे घोषणा क्यों नहीं करवा रहे हो पूर्ण राजधानी की, स्थायी राजधानी की, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, अगली बार पूरी बहुमत से सरकार आने दीजिए तब करवाएंगे। गंभीरता से राजधानी की तलाश में नहीं थे। और हरीश रावत भी आज जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, और वो सलाहकार भी जिंदा है, चाहे तो कंफर्म करा लीजिएगा, और पत्रकार भी जिंदा है। तो इसलिए ये दो मुही बात है कि हम स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे और हम घोषणा नहीं कर पाए, सरकार गिर गई, ये गलत बात है। दूसरी चीज, पिछली बार सत्र गैरसैंण में इसलिए नहीं हुआ मई में कि यात्रा शुरू हो गई थी और यात्रा के दौरान व्यवहारिकता नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम जो मैन पावर थी वो यात्रा की तैयारियों में लगी थी। और इस बार चूंकि सर्दी पड़ जाएगी, हम दो बार का कड़वा अनुभव है हम लोगों को कि वहां बर्फ गिरी थी और जिसके कारण बीमार हुए थे। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊंगा कि वहां बहुत कम आवास व्यवस्था है और तमाम लोगों को गैरसैंण से, मतलब जहां भराड़ीसैंण जो सफियाल जी कह रहे थे, जो भराड़ीसैंण में जहां विधानसभा बनी है वहां से काफी दूर दूर निवास की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब आप ये मान लीजिए पत्रकार लोग लगातार सत्र को कवर करने देहरादून से जाते हैं, उनकी व्यवस्था कर्णप्रयाग से भी बद्रीनाथ मार्ग पर कलियासौड़ में होती है, गढ़वाल मंडल विकास निगम में। अब आप सोच लीजिए कि उनको ढाई घंटे वहां से भराड़ीसैंण जाने के लगते हैं और ढाई घंटे वापस आने के लगते हैं, और ये तमाम बार हमने ये व्यवस्थाएं झेली है। इससे व्यवहारिकता अगर है तो वो बात करनी चाहिए, अव्यवहारिक बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सफलाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि राज्य का निर्माण ही राजधानी की अवधारणा के अनुरूप होना चाहिए था, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। और तमाम जो कमीशन बने, तमाम जो कमेटियां बनी, कौशिक समिति की बात कर रहे थे सफलाल जी, उसकी समिति में भी गैरसैंण राजधानी की अनुशंसा की गई थी और तब से तमाम आंदोलनकारी संगठनों ने गैरसैंण को राजधानी मान के काम किया था। और उसी अवधारणा को लेकर अगर याद हो आपको, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे 2012 के बाद, 12 के बाद विजय बहुगुणा 12 में मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद 12 या 13 में, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन पहली कैबिनेट बैठक, हाँ पहली कैबिनेट बैठक गैरसैंण के अंदर हुई थी, हम तब भी वहां गए थे, जो वहां का तहसील भवन है उसमें हुई थी, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, ना अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था थी, ना केवल मंत्री और मंत्री जो थे वही उसमें बैठ सकते थे और कुछ बड़े अधिकारी। तो ये व्यवस्थाएं धीरे 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 आज इतना तो हुआ है कि वहां विधान भवन का निर्माण हो गया है, कर्मचारी जो विधायकों के आवास का निर्माण हुआ है, मंत्री आवास का निर्माण हुआ है, मुख्यमंत्री और गवर्नर आवास का निर्माण हुआ है, और भविष्य में वहां और भी कर्मचारियों के आवासों के निर्माण होने हैं। बहुत सारे लोग जो हम पिछले दिनों हमने चर्चा की थी विधानसभा भर्ती की, अगर आप लोगों को याद हो थपलियाल जी भी उस चर्चा में थे, तो हमने तब भी कहा था कि कुंजवाल जी ने जाते जाते लगभग 181 लोगों को गैरसैंण के नाम पे भर्ती किया था, जिसमें उनका बेटा और बहू भी थे, जो उन्होंने स्वीकार किया बाद में। तो ऐसा नहीं है गैरसैंण के नाम पे भर्तियां भी हुई है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है, वहां एक सचिवालय बनाने की जरूरत है जिससे तमाम जो उस इलाके के लोग राजधानी बना दिया जाए तो इससे लाभ भी होगा, ये बात भी राजेंद्र जी ने कही थी। निश्चित तौर पर देखिए, अगर राजधानी कहीं बनेगी या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहीं बनेगा तो उस इलाके का, पूरे इलाके का विकास होता है, वहां नई नई सरकारी ऑफिस जाएंगे, स्कूल खुलेंगे, पॉलिटेक्निक खुलेंगे, बाजार डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं स्थानीय आर्थिक को भी लाभ होता है। लेकिन सवाल यहाँ अरुण जी एक और है कि क्या राजधानी बदल देने से उत्तराखंड का विकास हो जाएगा? देखिए, अगर हम मैदानी क्षेत्र के चार जिलों की बात करेंगे तो चार जिलों पे ही सारा का सारा विकास कंसंट्रेट होकर रह गया, चाहे किसी की सरकार हो,
मधु जी भी यहाँ बैठी है, राजन जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्हीं लोगों की सरकार रही है, चाहे भाजपा की आई है या कांग्रेस। और आप विधानसभा सचिवालय या स्टेट लेवल के जितने ऑफिसर्स हैं उनमें आप किनके लोग सबसे ज्यादा पाते हैं? हरिद्वार के लोग, क्योंकि वो नजदीक है, वो बिल्कुल अधिकारी से मिलने यहाँ तक पहुंच जाते हैं, मंत्रियों से मिलने यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और इसी यही कह रहा हूं मैं कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन्हीं जगह के विकास को लेकर कंसंट्रेट हुई है सरकारें अब तक पहाड़ के विकास की तरफ। जितना ध्यान देना, मैं यही कह रहा हूँ सारा नहीं, जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया गया। बिल्कुल, पहाड़ पे उतना विकास नहीं देखा गया जितना दिखना चाहिए। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते थे, अनम्यूट कर लीजिए। आप बार बार मुझे म्यूट कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात जो है वो बिंदुवार रखना चाहूंगा। पहली बात, हमारी जो बहन है भाजपा से मधु जी, उन्होंने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या वो जी भाई, जब आपके पास कहीं क्या, बताइए आप बताए। मैं हम कह रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जब आपका शासन चल रहा था, आपने तुरंत घोषित कर देना चाहिए था, हम आपके साथ थे, हमने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है, हमने कहा हम इसको दृष्टिकालीन राजधानी बनाएंगे, हमने अपने वादे पर पूरा हुए। आप और राजधानी मानक होने चाहिए, सारे मानकों को हम पूरा कर रहे हैं। आप देखेंगे आज अगर पूरा उत्तराखंड का जो नहीं नहीं, नहीं मधु जी कहने दीजिए, उसके बाद मिलेगा। राज्य कंप्लीट करिए। भूमि उत्तराखंड तो वो क्यों, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है, तो आप इसमें इसको इस बार को नकार नहीं सकते। आप एक स्वच्छ राजनीति के राजनीतिकार है, आपको समझना चाहिए इस बात को। मैं अपनी बात रखिए, मधु जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। मधु जी आपके पास आएंगे, बोलिए राजेंद्र जी, आप बोलिए। मैंने भाजपा से सवाल किया था कि हम इसे स्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं गैरसैंण को, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं? नंबर आएगा आप तब बोलिएगा। जी जी नहीं, मैं आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ कि भाजपा, देखिए अब आपके आपके पाले से तो चली गई ना, आपके पाले में जब बॉल थी, आपने कुछ आपने उसमें काम नहीं किया। जब आपके पास सरकार की पूर्ण बहुमत है, आपने उस विषय पे आपने किया नहीं, तो अब आपको बोलने का इसमें कोई अधिकार भी नहीं बनता। अब हमने जो कहा है हम उसको कर रहे हैं, और हमको जनता जो कहेगी, हमको जो जनता की जो जन भावनाएं हैं, मधु भट्ट जी बोलने दीजिए, आपके पास आएंगे, आपकी पूरी बात रखी जाएगी, बोलने दीजिए। बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए। पहली बात यह है, मैं कांग्रेस की तरफ से इस बात को रखता हूं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जानी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कांग्रेस की सरकार ने वहां भवन भी बना दिया, वहां के लिए नियुक्ति भी कर दी, वहां का विकास भी किया। जगह की जहां तक बात है, जैसे तपलियाल जी कह रहे थे, क्योंकि राजधानी बनाने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है, तो जो नियरेस्ट पॉइंट था वहां पर उस जगह की व्यवस्था की गई, नंबर टू। दूसरी चीज, मैं जहां का रहने वाला हूं, जब आप दिल्ली से आते हैं तो सबसे पहला गांव मेरा पड़ता है। मैं प्लेन का रहने वाला हूं और मैं मांग कर रहा हूं गैरसैंण की, आप मेरी भावना को समझिए, क्यों कर रहा हूं? तो मैं कह रही हूं आपकी भावनाओं को नहीं समझा रहा, आपकी भावनाओं को आपकी सरकार ने नहीं समझा। हाँ, मेरी सरकार ने समझा, इसीलिए वहां टेंट में भी मेरी सरकार ने वहां सत्र बुलाया। मुद्दा नहीं उठता अगर आपकी आपकी सरकार, मेरी सरकार ने वहां टेंट में भी सत्र बुलाया। दूसरी चीज भी ना, आप इन्हें अनम्यूट करें, नहीं आप बोलिए बोलिए, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। हाँ, दूसरी चीज क्या है, अगर वहां राजधानी बनेगी तो वहां फोकस भी होगा, वहां डेवलपमेंट भी होगा। अगर सरकार का मुखिया ही उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा थी गैरसैंण में राजधानी बने, और गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उत्तराखंड क्रांतिकारी परिषद ने की थी, थपलियाल जी जानते हैं,
उनकी रिक्वेस्ट पे गैरसैंण में फंड अलॉट हुआ, उनकी रिक्वेस्ट पे वहां निर्माण कार्य शुरू हुआ, और दुर्भाग्य से जो आंदोलनकारी थे, जो लोग भाजपा में चले गए, वो चुप है आज, वो जवाब नहीं, सवाल नहीं कर सकते, किसी से पूछ नहीं सकते। और कांग्रेस की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सवाल को शीर्ष पे, सिर माथे पे लेके वहां राजधानी बनाई। अब सवाल उठता है कि ग्रीष्मकालीन आपने नहीं की, ग्रीष्मकालीन आपने घोषणा की, सत्र आपने किया नहीं, अब आप वहां शीतकालीन सत्र भी नहीं करना चाहते। अब आप कह रहे हैं कि विकास जो है चार राज्यों में हो गया। इस प्रदेश के बजट का जो रेवेन्यू है वो भी इन्हीं चार जिलों से आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि पहाड़ जिसके लिए इस राज्य का मूल निर्माण हुआ था, वहां विकास नहीं हो पाया, और वहां विकास की चाबी गैरसैंण से खुलेगी, गैरसैंण बन में राजधानी बनेगी, तो वहां रोड, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, टूरिज्म, सब चीजों का डेवलपमेंट होगा, लोगों का, पहाड़ का पलायन रुकेगा, क्योंकि उनका आकर्षण का केंद्र हो जाएगा गैरसैंण, उनके व्यापार का केंद्र हो जाएगा गैरसैंण, उनके रोजगार का केंद्र हो जाएगा गैरसैंण। लेकिन भाजपा इस पर कुछ नहीं कहेगी। अब ये कह रही है हमारी भाजपा की प्रवक्ता कि हम जनता के प्रति जवाब दिए, जनता को आपने 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया, क्या जवाब है आपके पास? हम जनता के प्रति जवाब दे हैं, आपने अपने समय में सरसों का तेल कर दिया, ठीक है राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, आपने दो गुना खर्च कर दिया 5 साल में, क्या जवाब है आपके पास? ठीक है मधु जी, राजेन जी और कुछ कहना है? आपकी बात हो गई, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली राजेन जी। दिल्ली में उत्तराखंड राज्य ठीक है, ठीक है मधु जी, राजेन जी आपके पास आएंगे, और भी लोग पैनल में मौजूद हैं, आपने अपने लोगों ने अपनी बात कह ली है। पीसी थपलियाल साहब, जैसा कि इन्होंने कहा, राजेन जी ने एक बात कही कि विकास की चांदी गैरसैंण हो जाएगा अगर वहां पर अस्थाई राजधानी बना देनी चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि जो भवन बने हैं वो हमारी सरकार में बने हैं, भाजपा में हुआ क्या है, ये भी बात कही है इन्होंने। जो झूठ बोल रही है यहाँ पे, झूठ बोलने के लिए मैं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के प्रवक्ता ये बताए कि रायपुर में जो ये विधानसभाएं बनाए, जनता समझती है। मधु जी, मधु जी, मधु जी, पीसी थपलियाल साहब बोल रहे हैं, उसका जवाब लेंगे आपसे। अरे मधु जी आप सुन रही हैं, मधु जी आपके पास आएंगे, मधु जी, मधु जी, मधु जी आपके पास आएंगे। अरे मधु जी आप तो टेप रिकॉर्डर की तरह चली जा रही हैं। अरे सुनिए तो बात, पीसी थपलियाल साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। पीसी थपलियाल साहब, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तोते तोते बोलते थे, ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुद पता, यहाँ पे इस तरह से बातें कर रही है। देखिए, देखिए आप ये बताइए, मधु जी, मधु जी, मधु जी, मधु जी आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, मधु जी आपको मेरी आवाज सुनाई, अरे मधु जी को म्यूट करिए, मधु जी आप मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ बोलिए, बोलिए थपलियाल साहब बोलिए। देखिए मैं एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बहस, देखिए मिलने जी, दोनों को अगर आप पूछेंगे, कांग्रेस को और भाजपा को, कि क्या रायपुर में तीसरी विधानसभा बनने जा रही कि नहीं जा रही, वहां जंगल कट रहे हैं, लैंड ट्रांसफर हो चुकी है, और तीसरी विधानसभा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे बोले कि साहब हम बड़ी ईमानदारी से वहां पे कर रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि साहब वहां जगह नहीं थी,
मतलब गैरसैंण में जगह नहीं थी, कौशिक समिति बेवकूफ थी जो गैरसैंण को उन्होंने राजधानी डिक्लेयर किया और इनके नेता भराड़ी सैंण में ले गए, जैसे मंदिर को चोटी में ले जाते हैं और उस वहां और कोई नहीं रहता हूं मंदिर के अलावा, ये चोटी में ले गए वहां पे जहां इतनी ठंड है कि असंभव है किसी भी शीतकालीन में वो वहां पे काम करना। लास्ट टाइम मैं खुद देखा हूं जो शर्मा जी ने कहा नेता लोग पानी शौच नहीं कर पाए, भागे वहां से, रोक नहीं पाया कोई, भाग के, और ये लोग वहां पे इतनी ठंड है क्या कितनी बेवकूफी वाली बात हो रही है, सियाचिन के सिपाही आप बता दिए कैसी कैसी प्रवक्ता है, अरे सियाचिन के फौजी है ना तुम्हारे, सियाचिन के फौजी है भगवान, तो ठीक है अगर चलो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि भराड़ी स्टेटमेंट ठीक किया है तो जाओ ना करो ना, वहाँ बैठक बुलाई है इसीलिए तो बुलाई है कि सब राय बने, एक राय बने और स्वागत खाओ, स्वागत खाओ कि तुम रायपुर में विधानसभा नहीं बनाओगे, रायपुर में विधानसभा बनाओगे, रायपुर में विधानसभा बनाओगे, रायपुर में विधानसभा बनाओगे, रायपुर में विधानसभा बनाओगे, देखिए रायपुर में विधानसभा बनाओगे, शीतकालीन सत्र जो है वो भैया ये बताओ नहीं होना चाहिए, आरजेडी होना चाहिए, तो रायपुर में बैठक में तय हो जाएगा, बैठक में जो तय होगा तीसरी विधानसभा चाहिए, रायपुर में तीसरी विधानसभा बनाओगे, सर्वदलीय बैठक में रायपुर में तीसरी विधानसभा बनाओगे, देखिए रायपुर में तीसरी विधानसभा, देखिए थपलिया जी बोल रही हो ठीक है, थपलियाल साहब मधु जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ विपिन खन्ना जी भी हैं, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, विपिन खन्ना जी बोलिए आप, मधु जी आपके पास आएंगे, मधु जी थपलियाल साहब, बहस को सब्जी मंडी बना दे रहा मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, कि मुझे लगता है कि सरकार के पास इस विषय पे कोई जवाब नहीं है, इसलिए बहस को तोड़ मरोड़ के केदारनाथ की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, मधु जी आपको लगता है सब कुछ स्पष्ट है तो आप अपनी बात आराम से कहिएगा ना, ठीक है मधु जी आपके पास, मधु जी आपने बोला अपनी बात आपने रखी, विपिन खन्ना पैनल में और भी लोग हैं, पैनल में उनको अपनी बात रखने दीजिए, विपिन खन्ना जी को अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए, आपको मौका मिलेगा, बोलिए विपिन खन्ना जी, ठीक है सबको मिलकर उत्तराखंड का विकास करना है, सब मिले सबको लेकिन सबको मौका भी दे दीजिए ना बात रखने का, मिलकर विकास करने की बात आप कर रहे हैं, मौका भी यहाँ पर दे दीजिए ना, नहीं आप अपने कर्तव्य को निभाइए, आप जवाब दीजिए लेकिन बीच में मत बोलिए, ठीक है उस पर आएंगे आपके पास, विपिन खन्ना जी को अपनी बात करेंगे, आपका समय मिलेगा तब जवाब दीजिएगा, विपिन खन्ना जी को बोलने दीजिए, अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, कई लोग हैं, हमारे पास समय कम है, एक ही घंटे हमें मिलते हैं जी, देखिए विनय जी अभी शर्मा जी एक बहुत अच्छी बात से ही उन्होंने कहा कि एक हरीश रावत जी का एग्जांपल उन्होंने दिया, तो मैं उसी बात को कह रहा था, मैं हरीश रावत जी का नाम ना लेना, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने इस मुद्दे को उत्तराखंड में घुमा के रखा हुआ है कि राजधानी गैरसैंण राजधानी देहरादून, हमारा मानना है कि राजधानी स्थायी राजधानी होनी चाहिए, अभी हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कांग्रेस के ऊपर खूब आरोप लगा रही थी कि आपकी सरकार है आपने कुछ नहीं किया कब क्यों किसी ने क्या किया, लेकिन मैं इनसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है हरीश रावत जी ने नहीं किया, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, वो चाहते थे कि मुद्दे को उत्तराखंड की जनता के बीच में रहने दिया जाए, तो आप जो ये कह रही हैं कि हम जन संस्कारों की बात करते हैं जन भावनाओं की बात करते हैं, आज 6 साल हो गए हैं आपकी सरकार को बने हुए, अभी साढ़े चार साल और बाकी है, क्या आप हिम्मत करेंगे स्थायी राज देने की, उत्तराखंड की जन भावनाएं ये कहती हैं कि हमें
स्थायी राजधानी नहीं चाहिए, हमें स्थायी राजधानी चाहिए। आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेंगे, आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि सफेद झूठ आप लोग बोल रहे हैं। अभी हमारा जो घोषणा पत्र था रायपुर में राजधानी बनाया ना, तो राजधानी बनाएंगे। असल में सरकार ही नहीं चाहती कि हम राजधानी के बाद। ठीक है विपिन खन्ना जी, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस का करिए, उत्तराखंड करिए गैरसैंण में, वो कार्यक्रम तो गैरसैंण में करिए, कहिए मुख्यमंत्री जी को गैरसैंण में कार्यक्रम करें, देहरादून में ना करें। तय हो गए हमारा प्रत्येक विधायक, हमारा मंत्री, हमारे सब गैरसैंण में तय करते हैं, देहरादून में क्यों तय कर रहे हैं? अरे देहरादून वालों को जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है। अरुण शर्मा जी, आपने सबकी बातें सुनी, आपने सबकी प्रतिक्रिया सुनी, अपनी बात रखिए। इनको चुप करा दीजिए जरा। मधु जी मधु जी को थोड़ा म्यूट कर दीजिए। बोलिए अरुण जी, बोलिए। अरे मैडम, हम अलग से आपके पास आ जाएंगे, आपका प्रवचन अलग से बैठ के सुन लेंगे, लेकिन हम लोग भी है। देखिए ये तो बड़े उत्साह की बात है, हमारा राज्य स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं, सबको बड़े उत्साह। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। हाँ एक मिनट, बोलिए बोलिए, 30 सेकंड में बोलिए। मैं आम आदमी पार्टी के जो हमारे भाई हैं उनके आरोप का भी जवाब देना चाहूंगा, और मैं बिल्कुल टेक्निकली बात कहूंगा। हमारी 10 साल की सरकार हमेशा साझे की सरकार रही, उसमें चाहे निर्दलीय लोगों का रहा या बसपा का सहयोग रहा। भाजपा की जो सरकार रही वो 2/3 बहुमत की भी रही है, 2/3 से भी ज्यादा की। पिछली बार इनके 57 विधायक थे, इस बार 47। इन्होंने 10 साल के 10वां साल के लिए इन्हें जनता ने मौका दिया, उसमें इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। ठीक, हमारी सरकार ने इस प्रदेश की जनता को ये संकेत दिया कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहते हैं। हमने वहां निर्माण भी किया, हमने वहां नियुक्तियां भी की, और हमने वहां सत्र भी किया। ठीक है, जबकि अभी हमारे एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि साहब जो है नहीं, नहीं शर्मा जी को अपनी बात, राजेंद्र जी आपकी बात, अरुण शर्मा जी अपनी बात कही, समय कम शब्दों में अपनी बात कही। मधु जी एक बात कहना चाहता हूँ, सत्ता में भाजपा रहे कांग्रेस रहे, सत्ता में उत्तराखंड के लोग हैं, और सत्ता में जो भी लोग हैं उनका कर्तव्य है उत्तराखंड की जनता के लिए। ठीक है राजेंद्र जी समय कम है, अरुण शर्मा जी अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। राजेंद्र जी, मधु जी, इसमें भी कर रहे हैं जनता के। अरुण शर्मा जी बोलिए बोलिए बोलिए। अरे मैडम तो बोलूंगा ना। मधु जी आपको मेरी आवाज आ रही है, अरुण शर्मा जी को अपनी बात कहने दीजिए। मैडम हम लोग नहीं है पैनल में, जरा सुन लीजिए, और इतना भी सब्र होना चाहिए कि दूसरे की बात सुननी चाहिए, हम भी बहुत शांति से सुन रहे हैं। देखिए विनय जी, ये तो तय मानिए कि गैरसैंण में कम से कम साल में एक सत्र होना चाहिए जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे। अब वो ग्रीष्मकालीन हो, शीतकालीन हो, वर्षाकालीन हो, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। ग्रीष्मकाल में यात्रा का दबाव रहता है, शीतकाल में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फ पड़ती है। पता नहीं मधु जी को पता है कि नहीं पता, लेकिन हम उस बर्फ में गैरसैंण में फंसे हैं, इसे हमें पता है। तीसरी चीज, वर्षा काल में पहाड़ की दुर्दशा क्या होती है, यह आपको पता है। लेकिन इन सब के बीच में, क्योंकि आपके पास मौसम विभाग भी है, मौसम विभाग से आप अपडेट लेने के बाद मौसम का, जिन दिनों में मौसम साफ रहे उन दिनों में वहां किसी भी मौसम में सत्र करा सकते हैं, और ये महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के लिए, क्योंकि इस प्रदेश का निर्माण ही पहाड़ की अवधारणा के लिए हुआ था, पहाड़ में राजधानी को लेकर हुआ था। और जो चीज आज भी जनता के मन में एक कसक है कि जो भी राजनीतिक दल रहे हो, उन्होंने उन मनोभाव के अनुरूप, मनोकामना के अनुरूप काम नहीं किया, इसलिए इस सरकार का, जैसा राजेंद्र जी ने कहा कि 10 साल के लिए जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, तो इन 10 सालों के बीच में ही इनको गैरसैंण को मूर्त रूप देकर उसको स्थायी राजधानी बनाना चाहिए। ठीक है, स्थायी राजधानी की बात हो गई। एक बात और यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि क्या वहां पर शीतकालीन सत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस समय?
व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देवभूमि के दंगल में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे विधानसभा सत्र को लेकर कि शीतकालीन विधानसभा सत्र देहरादून में होगा या गैरसैंण में होगा। एक तरफ ये भी कहा गया है कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने से वहां के पहाड़ का विकास होगा, क्योंकि मैदानी इलाकों का तो बहुत विकास हुआ है लेकिन पहाड़ के विकास में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजककर्ता है गोल्डी हिंग कण कण में।